बहुत बड़ी खुशखबरी की फॉर्म भराना बिहार पुलिस का स्टार्ट हो चुका है और बहुत सारे लोग सभी जगह से इस फॉर्म को डाल रहे हैं, यानी कि यूपी वाले भी आराम से भर पा रहे हैं, झारखंड वाले भी भर रहे हैं, मतलब ऑल इंडिया की वैकेंसी है, कहीं से भी लोग डाल रहे हैं और बिहार के निवासी जो है वो तो खास रूप से इस फॉर्म को डाल रहे हैं। जो भी बिहार पुलिस में दिखेगा कि 21,391 पोस्ट है, लेकिन हम बताते हैं कि 1,00,000 से भी ज्यादा पोस्ट आप लोग के लिए निकाला गया है। 100 नंबर के एग्जाम में 70 से 75 क्वेश्चन यहीं से पूछा जा रहा है, तो सबसे महत्वपूर्ण तो यही हो गया ना आपके लिए, सबसे इंपोर्टेंट कौन सा हो गया, इंपोर्टेंट ही नहीं, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, इसको कर दीजिए। बिहार पुलिस न्यू वैकेंसी में देखेंगे कि 21,391 पोस्ट निकला हुआ है, जिसको हम मानते हैं कि 1,00,000 से ज्यादा पोस्ट निकला हुआ है। अब आप बोलेंगे कि 1,00,000 से ज्यादा कैसे है, समझिए यहां पर 21,391 × 5 यानी कि आपके फिजिकल के लिए कितने लोग को क्वालिफाई किया जाएगा, तो लगभग बोला गया है 5 गुना, सीट का 5 गुना लोग को हम फिजिकल के लिए क्वालिफाई करेंगे, जो कितना होगा तो लगभग 1,06,955 लोग को यहां पे क्वालिफाई किया जाएगा, जो कि आपका फिजिकल में। तो यही तो है कि आपका सबसे पहला एग्जाम क्या है, रिटर्न एग्जाम है, रिटर्न आप लोग को देना है, लिखित परीक्षा देना है, सबसे पहले फॉर्म भरने के बाद लिखित परीक्षा देना है, तो लिखित परीक्षा के बाद कितने लोग को पास किया जाएगा, तो 1,06,955 लोग। तो यहां पे ध्यान दीजिए ना कि इतना सीट हो गया ना, वो तो फाइनल का सीट है 21,391, लेकिन आप कम से कम इसमें तो आइए, आप कम से कम रिटर्न एग्जाम तो निकाल लीजिए, आप कम से कम फिजिकल देने तो जाइए, तब ना मानेंगे कि आप रिटर्न को अच्छे से क्वालिफाई किए, आप अपने सिलेबस पर बहुत मेहनत किए, सिलेबस को अच्छे से आप निकाले और आप इस एग्जाम को निकाल सकते हैं, आप में क्षमता है, तब ना मानेंगे। तो 1,06,955 लोग का सिलेक्शन होगा किसके लिए, फिजिकल के लिए, तो इसमें कम से कम आइए, तो आपका सबसे पहला लक्ष्य जो है, सबसे ज्यादा सीट जो है 1,06,955 होगा फर्स्ट स्टेप के लिए, फिजिकल तक पहुंचने के लिए। बस यही आपको लक्ष्य लेकर के चलना है कि इसमें हमको आना है, उसके बाद ध्यान देना है कि इसमें हमको आना है, 21,391 में हमको सिलेक्ट होना है। अभी आपके लिए इतना पोस्ट है जो कि फिजिकल तक में आपको पहुंचने में सहायता प्रदान करेगा, ठीक है। तो जितने भी छात्र छात्राएं हैं, डिमोटिवेट मत होइए, एक तो आज तक की सबसे बड़ी, इतिहास में सबसे बड़ी बहाली आपको दी गई 21,391, ऊपर से आपको हम बता रहे हैं कि 1,00,000 प्लस, तो अब तो आपको मोटिवेशन का कोई कमी नहीं होगा, बस आपको तैयारी करना है, कट ऑफ का चिंता बिल्कुल नहीं करना है, कट ऑफ कम जाएगा, लेकिन आपको क्या करना है कि अपने तरफ से तैयारी को और ज्यादा बढ़ा देना है कि कंफर्म हो जाए, नौकरी लेने के बाद पूरा दुख दर्द आपका खत्म हो जाएगा, बस अभी ही आपको मेहनत करना है और अच्छे से करना है, सही दिशा में करना है। आइए बताते हैं कैसे करना है, और आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी निकाल दिया गया है, प्रैक्टिस सेट की भी जानकारी आपको देंगे, जो कि आपकी तैयारी को और बेहतरीन करता है और आपको बताता है कि किस तरह से आप तैयारी कर रहे थे और क्या करना चाहिए आपको, ठीक है। प्रैक्टिस सेट भी निकल चुका है, आइए उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो इंडिया की वैकेंसी है, जो ऑल इंडिया की वैकेंसी है, सब तरह से लोग इसको डाल रहे हैं। आपको पता है कि फॉर्म अप्लाई का जो डेट है 20 जून से स्टार्ट हो चुका है, 20 जुलाई तक, यानी कि बिहार पुलिस सिपाही का जो नॉर्मल फॉर्म आया है ये 20 जून से भराना स्टार्ट हो चुका है और 20 जुलाई तक ये भराएगा। तो अभी से लोग डाल तो रहे हैं, बहुत सारे लोग वेट भी कर रहे हैं कि लास्ट में डालेंगे या लास्ट से 5-6 दिन पहले डालेंगे, तो कभी भी डालिए, अच्छे से डालिएगा, बस ध्यान रखिएगा कि फॉर्म में गलती नहीं होना चाहिए। अभी से पूछेगा क्या क्या, जीके से क्वेश्चन आएगा, जीएस से क्वेश्चन आएगा, यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जो कि हमेशा से आपको हम बताते आए हैं, सब पर डिटेल वीडियो भी आ चुका है, आपको देखना है। और यहाँ 70 से 75 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि 100 नंबर के एग्जाम में 70 से 75 क्वेश्चन यही से पूछा जा रहा है, तो सबसे महत्वपूर्ण तो यही हो गया ना आपके लिए, सबसे इंपोर्टेंट कौन सा हो गया, इंपोर्टेंट ही नहीं, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, इसको कर दीजिए कि जीके जीएस का पार्ट जो है बहुत ही अच्छे से आपको कवर करना है। और उसके बाद इसके लिए आपका प्रैक्टिस सेट भी निकल चुका है, आपको हम बताएं, प्रैक्टिस सेट का भी आपको जानकारी हम दे देते हैं। जी, आपका अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से न्यू प्रैक्टिस सेट निकाला गया है बिहार पुलिस सिपाही के लिए, जो कि आपका भर्ती परीक्षा 2023 के लिए होगा, और यहां लिखा गया है प्रैक्टिस जानदार तो रिजल्ट भी शानदार होगा, जो कि अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से, जो कि केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही सीएसबीसी जो आपका आयोग है उसके तरफ से 5 सॉल्व पेपर भी दिया गया, जो कि पिछले बार जो एग्जाम हुआ है 5 एग्जाम का सॉल्व पेपर भी दिया गया, जिसका आंसर भी मिलेगा आपको, क्वेश्चन भी मिलेगा, डिस्कशन भी मिलेगा वो भी, और साथ में 20 मॉक पेपर यानी 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जिसको आपको लगाना है। कैसे लगाना है, कब लगाना है, तो पढ़ाई करने के बाद लगाना है। ये क्या करेगा ना, आपको बताएगा कि आप कितना तैयार हैं। जैसे कि अगर आपको इस क्वेश्चन का डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन एवं फिनलैंड मिलकर क्या कहलाते हैं, तो ये आपको अगर आता है तो आप तैयारी अच्छा किए हुए हैं ज्योग्राफी में। और उसके बाद 1969 में .. नहर के खुलने से भारत यूरोप की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई थी, किस नहर के खुलने से, ठीक है, कौन सा नहर खुला था, तो 1869 में यूरोप की दूरी भारत से 7000 किलोमीटर कम हो गई थी। तो ये आप बताइए क्या है इसका आंसर, खोज करके ये बताइए। उसके बाद देखेंगे कि बहुत सारा क्वेश्चन जो है इसमें दिया गया है, जो कि आपके एग्जाम को और आसान बनाता है, आपको बताता है कि आपको पढ़ना कैसे था, क्या आप कर रहे हैं। जी, प्रैक्टिस सेट है, जो कि देखिए यहाँ पे मॉक पेपर 6 है, यहाँ पे भी बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया, इसको आप याद कर सकते हैं, बना सकते हैं, इससे आपको पता चलेगा कि आप तैयार कितना है, कौन कौन सा क्वेश्चन आपसे छूट रहा है और कौन सा बन रहा है, कौन सा कमजोर है, जहां पे आपको मेहनत करने का जरूरत है, ठीक है।
तो ये प्रैक्टिस सेट अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से निकाला गया है और इसको आपको लगाना है। अगर आप चाहते हैं प्रैक्टिस सेट का जानकारी अच्छे से चाहते हैं तो कमेंट नीचे करेगा, बता देंगे आपको सब कुछ। लेकिन इसको परचेस सबसे पहले करना होगा, उसके लिए लिंक जो है डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों जगह हम दे दिए हैं। वहां से जाकर के आप इसको ऑनलाइन परचेस करके रूम पे अपने घर पे पहुंच जाएगा आपका, वहां पे लगा सकते हैं अच्छे से और अपना प्रैक्टिस को और भी अच्छा कर सकते हैं। और बहुत मेहनत करने के बाद आपको समझ में आएगा कि सारे क्वेश्चन आप बना दिए प्रैक्टिस सेट का। आप मेहनत तो कर रहे होंगे, पहले से भी किए होंगे, अभी भी कर रहे होंगे और करेंगे भी, लेकिन करते के साथ आपको जांचना जरूरी है कि कौन सा क्वेश्चन आपसे छूट रहा है, किस सब्जेक्ट पे कम पकड़े, वो प्रैक्टिस सेट ही आपको बताता है। तो प्रैक्टिस सेट का भी जानकारी आपको दे दिए और यहाँ पे आपको सिलेबस का भी जानकारी हम दे रहे हैं कि जीके जे 70 से 77 क्वेश्चन आएगा, मैथ से 8 से 10 क्वेश्चन आएगा, इंग्लिश हिंदी से आपका 15 क्वेश्चन आने वाला है करीब करीब, ये दोनों को मिला करके 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन मिला करके दोनों से आएगा। और करंट अफेयर्स बिहार स्पेशल से 5 क्वेश्चन रहेगा, जबकि बिहार स्पेशल से कम रहेगा। करंट अफेयर्स 1-2 पूछ सकता है, पूछता नहीं है, बहुत ज्यादा सिलेबस में नहीं दिया गया है। तो मेन रूप से फोकस आपको इस पे करना है, उसके बाद आपका मैथ भी देख सकते हैं और हिंदी इंग्लिश में हिंदी पे ज्यादा फोकस करना है, इंग्लिश पे कम करना है। इस तरह से आपका स्कोर अगर 80 प्लस कर लेते हैं तो कंफर्म आपका रिजल्ट हो जाएगा। अब आपको एक और खास हम बात बताते हैं कि आपका सिलेक्शन होना है या नहीं होना, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप हर एक स्टेप में अच्छा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसे कि आपका रिटर्न बहुत अच्छा है, फिजिकल नहीं है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर फिजिकल भी हो गया, रिटर्न भी हो गया, अगर आपका फॉर्म में ही गलती कर दी है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप गलती हो जाएंगे, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, नहीं होगा। तो आप हर एक स्टेप को फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं, तो सबसे पहला स्टेप आपके पास रिटर्न एग्जाम का होगा, यानी लिखित परीक्षा का होगा, इसको आप अच्छे से निकाल पाते हैं कि नहीं, ये पहला ध्यान दीजिए। उसके बाद जैसे ही पूरा हो जाए तो पूरा जान जीव लगा देना है फिजिकल पर, उसके बाद मेडिकल पर, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम तो अभी ही हो रहा है, फॉर्म भराने ही टाइम में, इसी समय ध्यान दीजिएगा ताकि उस समय जाकर के हमको टेंशन नहीं हो। और मेरिट लिस्ट में आने के लिए आपको अच्छा से फिजिकल में स्कोर करना पड़ेगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और आपको बता दिए कि 5 गुना जो सीट है, जो आपका सीट है 21,391, इसका 5 गुना लोग को फिजिकल में बुलाया जाएगा। तो आपके लिए वर्तमान में सीट जो है 1,00,000 से ज्यादा है, ध्यान रखिएगा, इसमें आपको आना है। उसके बाद ही हम मानेंगे कि आप अच्छा से पढ़े, अच्छा से लिखे, अच्छा से तैयारी किए ताकि आप फिजिकल में पहुंच पाए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा।